दिल्ली विधानसभा में बोलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। जो कुछ उन्होंने किया वो असंवैधानिक था, लेकिन जैसे मैंने कहा हमें लड़ना नहीं था उनसे, हम लड़ना नहीं चाहते। हमने उनकी ईगो सेटिस्फाई की, उन्होंने चार पॉइंट्स लिख के भेजे थे, चारों के जवाब दिए और उन्होंने बजट को पास कर दिया। कल ही कर देते यार। उन्होंने कल मीडिया में खबरें प्लांट की कि इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा एड के ऊपर खर्च किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले साल भी एड पे 500 करोड़ का बजट था, इस साल भी एड पे 500 करोड़ का, कोई नहीं बढ़ाया। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 20,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, तो ये 500 करोड़ 20,000 से ज्यादा कैसे हो गया, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। खैर, देर आए दुरुस्त आए। मैं, मुझे बेहद खुशी है कि कल बजट पास होगा, बजट पेश किया जाएगा और ये जो एक क्राइसिस आया था वो क्राइसिस अब खत्म हो गया, टल गया है। और प्रधानमंत्री जी से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बहुत 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 बड़े हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं, हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, सहयोग से काम करना चाहते हैं, हम लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहते, आप हमें काम करने दीजिए, बस इतनी आपसे अपेक्षा है। हम पूरी तरह से केंद्र सरकार का सहयोग करेंगे, आप दिल्ली सरकार में हमें अपने काम करने दीजिए। एक उन्होंने लिखा था, शायद मेरे को चारों अब याद नहीं है, लेकिन एक लिखा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना क्यों है, इतना क्यों नहीं है, तो उनको बता दिया भाई पिछले चार साल से जो आ रहा है उतना ही है। एक उन्होंने लिखा था एड के ऊपर इतना क्यों है, इतना क्यों नहीं है, तो उनको बता दिया जी पिछले साल भी इतना था, इस साल भी इतना है। एक उन्होंने सब्सिडी पे लिखा था, उसमें भी हमने कहा था जी पिछले पाँच साल का सब्सिडी का पैटर्न देख लो, सेम चला आ रहा है। बस इतना है। एक आयुष्मान देखिए, हमारे पास तो एमएचए से आता है, तो एमएचए में कौन लगाता है, कैसे लगाता है, ऑब्वियसली बिना टॉप के अनुमति के तो किसी सरकार का बजट कोई छोटा बाबू तो रोक नहीं सकता। सर, जिस तरह से अधिकारियों का रवैया था, उस पर क्या कहेंगे? वो आज इसने अभी पूरे मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेजने के लिए विधानसभा ने रेजोल्यूशन पास किया। तो दिल्ली विधानसभा के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, हालांकि एलजी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की संवैधानिक अधिकार उन्हें नहीं है कि वो बजट पर आपत्ति दर्ज करें, लेकिन जो अभी इसमें जानकारी है वो ये कि अब फाइनली कल बजट पेश होगा दिल्ली का। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जो चार पॉइंट थे जिस पर आपत्ति दर्ज की गई थी उसे हमने लिखित में दे दिया है, इसलिए अप्रूवल मिल गया है।